हेलो फ्रेंड्स, लेट्स सी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। वर्तमान पूर्ण काल पहचान देखते हैं। पहले पहचान देखते हैं। वाक्य के अंत में चुका है, चुकी हैं, चुके हैं इत्यादि शब्द आते हैं। इस काल में कार्य का समाप्त होना पाया जाता है। अब देखते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब है हैज, हैव, आई, वी, दे या प्लूरल नंबर के साथ हैव का प्रयोग। ही, सी, इट या सिंगुलर नंबर यानी एक वचन के साथ हैज का प्रयोग। फर्स्ट सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस या असर्टिव सेंटेंस देखते हैं। इसके दो पार्ट हैं, अफर्मेटिव एंड निगेटिव। अफर्मेटिव तथ्यों को स्वीकार किया जाता है, निगेटिव में तथ्यों को नकारा जाता है, नकारात्मक। अब देखते हैं दोनों का स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर पहले अफर्मेटिव का देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। अब निगेटिव का इसी के साथ देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। उदाहरण देखते हैं। रोहन घर जा चुका है, रोहन घर जा चुका है। रोहन, अब हेल्पिंग वर्ब रोहन के अनुसार हैज, गो का थर्ड फॉर्म गॉन, टू दी हाउस। पहला एग्जांपल। अब निगेटिव वाला देखते हैं। मदन स्कूल नहीं पहुंच चुका है, मदन हैज नॉट रीच का थर्ड फॉर्म रीच्ड टू दी स्कूल। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसमें पहला यस नो टाइप,
यस नो टाइप, और दूसरा डब्ल्यू एच टाइप। दो टाइप के होते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब पहला देखते हैं यस नो टाइप का स्ट्रक्चर। यस नो टाइप स्ट्रक्चर पहले हेल्पिंग वर्ब से ये शुरू होता है, हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स एक क्वेश्चन मार्क। इसका इंट्रोगेटिव निगेटिव देख लेते हैं। हैज हैव हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। इसका एग्जांपल देखते हैं। क्या वे अपना कार्य समाप्त कर चुके हैं? क्या वे अपना कार्य समाप्त कर चुके हैं? तो वे के अनुसार हेल्पिंग वर्ब हैव लगेगी, हैव, फिर सब्जेक्ट तो वे का दे, हैव दे, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म कंप्लीट, कंप्लीटेड हो जाएगा थर्ड फॉर्म, हैव दे कंप्लीटेड देयर वर्क, एक क्वेश्चन मार्क। अब नेगेटिव वाला एग्जांपल देखते हैं। क्या मैं नैनीताल क्या मैं नैनीताल पहुंच चुका हूं? क्या मैं नैनीताल पहुंच चुका हूं? तो आई के साथ हैव का प्रयोग होता है, तो हैव, सॉरी यहाँ नेगेटिव है, तो मैं नैनीताल नहीं, यहाँ नेगेटिव नहीं रहेगा, नहीं पहुंच चुका हूँ। हैव आई नॉट रीच्ड नैनीताल? हैव के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, नॉट के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। हैव आई नॉट रीच्ड नैनीताल? क्या मैं नैनीताल नहीं पहुंच चुका हूं? अब दूसरे टाइप का देखते हैं, डब्ल्यू एच टाइप। डब्ल्यू एच टाइप का स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर पहला स्ट्रक्चर देखते हैं। पहले डब्ल्यू एच वर्ड या क्वेश्चन वर्ड्स आते हैं, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज हैव आएगी, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। अब इसका नेगेटिव देख लेते हैं। डब्ल्यू एच वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। अब उदाहरण देखते हैं। वह नहाने के लिए क्यों जा चुका है?
वह नहाने के लिए क्यों जा चुका है? क्यों का पहले इंग्लिश लिखेंगे वाई, फिर हेल्पिंग वर्ब वह के लिए हैज लगेगी, वाई हैज, फिर सब्जेक्ट ही, एक चीज छूट गया था सब्जेक्ट, इसमें भी प्लस, यहाँ सब्जेक्ट हो जाएगा प्लस नॉट, वाई हैज ही, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म गॉन फॉर वॉथिंग, वाई हैज ही गॉन फॉर वॉथिंग। अब इसका दूसरा देखते हैं निगेटिव, राम राम कोचिंग राम कोचिंग क्यों नहीं जा चुका है? पहले इसकी इंग्लिश लिखेंगे क्योंकि वाई, फिर राम के अनुसार हेल्पिंग वर्ब हैज, वाई हैज, फिर नॉट, फिर सब्जेक्ट वाई हैज नॉट राम गॉन टू दी कोचिंग, राम कोचिंग क्यों नहीं जा चुका है, वाई हैज नॉट राम गॉन टू द कोचिंग।